हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि हम वाले की स्क्रीन पर स्मोक फायर इफेक्ट वाली वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों इस तरह की जो वीडियो है अभी इंस्टाग्राम पर किसी ने अभी अपलोड नहीं की है। तो गाइस, अगर आप लोग पहली बार इस तरह की फायर स्मोक वाली सारी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा चांस है कि वीडियो वायरल हो सकती है। तो गाइस, आपको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको अलाइट मोशन ऐप को और पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड करना है। गाइस, आपको पिक्सल लैब ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, आपको अलाइट मोशन प्रो ऐप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको लिंक पर क्लिक करके अलाइट मोशन प्रो ऐप को डाउनलोड करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। पिक्सल लैब ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको न्यू टेस्ट वाले ऑप्शन को डिलीट करना है। इसमें गाइस आपको शायरी को लिखना है। शायरी को लिखने के लिए गाइस आपको ए वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से आपको टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। इसमें गाइस आपको एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर गाइस आपको इसमें शायरी को लिखना है। तो गाइस, मैंने शायरी को पहले से ही कॉपी किया है, तो यहाँ पर हम उस शायरी को पेस्ट करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने शायरी को पेस्ट कर दिया है। इसको हम अच्छे से सेट करके बीच में लगा देंगे। अब इसमें गाइस आपको कलर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से गाइस आपको अलग अलग कलर को शायरी में लगा देना है। इस तरह से गाइस आपको शायरी को सिलेक्ट करना है और कलर को लगाते जाना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने शायरी में कलर को लगा दिया है। अब यहां से गाइस आपको इसमें फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। तो गाइस, इस वाले फॉन्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। इस वाले फॉन्ट की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस वाले फॉन्ट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद गाइस आपको इस वाले फॉन्ट को पिक्सल लैब ऐप में ऐड करना है। तो जो आपका फॉन्ट है कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। आपको इस वाले फॉन्ट को लगा देना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉक वाला, इस पर क्लिक करना है। इसको गाइस इनेबल करना है और इसमें गाइस आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से हम ब्लू कलर को इसमें सिलेक्ट करेंगे और इसके स्टॉक को आपको कम कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा शैडो वाला, इस पर क्लिक करना है। इसको भी इनेबल करना है और इसमें भी गाइस आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है इस तरह से। और ओपेसिटी को गाइस आपको इस तरह से 40 पर कर देना है। तो जो आपकी शायरी है कुछ इस तरह से सेट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब गाइस आपको इसमें स्टिकर को सिलेक्ट करना है। टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से हम इसमें स्टिकर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद इसको आपको ऊपर साइड में अच्छे से सेट करके लगा देना है। इस तरह से हम इसको लगा देंगे। अब इसमें गाइस आपको iOS वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। इस वाले फॉन्ट की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। iOS वाले फॉन्ट को हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम इस वाले फॉन्ट को लगा देंगे। अब गाइस आपको इसमें अपनी इंस्टाग्राम आईडी को लगा देना है। टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी को इसमें लिख देना है। इस तरह से हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी को यहाँ पर लगा देंगे। इसमें हम यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे। इसमें गाइस आपको फॉन्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले फॉन्ट की लिंक भी गाइस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको फॉन्ट को लगा देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इंस्टाग्राम आईडी को सेट कर दिया है। इसको हम नीचे साइड में अच्छे से सेट करके लगा देंगे। अब गाइस आपको इस शायरी को पीएनजी में कन्वर्ट करना है। पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा चौथे नंबर वाला, इस पर क्लिक करना है। यहां से आपको ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये जो शायरी है पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां से गाइस आपको इसको गैलरी में सेव करना है। ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो सारी है गैलरी में सेव हो जाएगी। अब आपको यहां से अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा।
आपको प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से गाइस आपको इस वाली एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करना है। तो गाइस ये वाली जो एक्सेल फाइल की लिंक है आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस वाली एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद गाइस आपको इस वाली एक्सेल फाइल को अलाइट मोशन ऐप में ऐड करना है, तो जो आपकी एक्सेल फाइल है कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी। गाइस अगर आपसे एक्सेल फाइल ऐड कर देने ही बढ़ रही है तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसमें मैंने बताया है कि आप एक्सेल फाइल को अलाइट मोशन ऐप में कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आपको उस वीडियो को देख लेना है और अलाइट मोशन ऐप में एक्सेल फाइल को ऐड कर लेना है, तो जो आपकी एक्सेल फाइल है कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी। यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको इसमें साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। यहाँ से हम इसमें एक वीडियो के साउंड को अपनी वीडियो में लगा देंगे, तो यहाँ पर आपको इस वाली साउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस वाली साउंड वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस वाली साउंड वीडियो को डाउनलोड करना है। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। अब गाइस इस वीडियो के साउंड को हम अपनी वीडियो में लगा देंगे। अब आपको यहाँ से साउंड वाली वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने का 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा एस्ट्रिक आइडो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो का जो साउंड है हमारी वीडियो में लग जाएगा। आप देख सकते फर्स्ट में जो साउंड है वो लग चुका है। अब गाइस आपको इस साउंड वाली वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना है, डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देख सकते हमारी वीडियो में जो साउंड है वो लग चुका है। अब गाइस आपको इस समय एक फायर इफेक्ट वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। यहां से गाइस आपको इस वाली फायर वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है। इस वीडियो क्लिप की लिंक गाइस आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको इस वाली वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है। गाइस आपको फायर वीडियो वाली क्लिप पर क्लिक करना है। यहां से गाइस आपको ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है। यहां से आपको लाइटन पर जाना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो जो आपकी जो फायर वीडियो है कुछ इस तरह से लग जाएगी, आप देख सकते हैं। अब गाइस यहां से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहां से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है। यहां से गाइस आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां से आपको फायर वाली वीडियो को जूम करना है। इस तरह से आपको इसको जूम कर लेना है बड़ा करके। इस तरह से हम इसको अच्छे से जूम कर लेंगे, जितना भी आप इसको जूम करना चाहते हैं इस तरह से आपको जूम कर लेना है। यहां से आपको बैक आ जाना है, तो आप देख सकते हैं अभी हमारी वीडियो कुछ इस तरह से सेट हो चुकी है। गाइस जो नीचे में एक्सेल फाइल वाली लेयर है इसको आपको ऑफ कर देना है। इस तरह से आपको इस पर क्लिक करके ऑफ कर देना है। अब गाइस आपको वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इफेक्ट पर जाना है। यहां से आपको ऐड इफेक्ट पर जाना है। यहां पर आपको सर्च करना है शिफ्ट वाले इफेक्ट को। इस तरह से आपको सर्च करना है। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं शिफ्ट वाला जो इफेक्ट आ चुका है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। यहां से गाइस आप फायर इफेक्ट वाली वीडियो के कलर को चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको इसको बढ़ा देना है तो आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यहां से गाइस हम इसके कलर को ब्लू कलर रखेंगे, तो इस तरह से आप जो भी कलर इसमें रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहां से आपको बैक आ जाना है। अभी आप देख सकते हैं हमारी फायर इफेक्ट वाली वीडियो है जो इसका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर गाइस आपको उस PNG सारी को सिलेक्ट करना है जो आपने पिक्सल लैब ऐप से एडिट की थी, तो आपको वीडियो के आगे जाना है। यहाँ से हमारी जो स्मोक वाली वीडियो है ये आ रही है 0.8 के बाद से आपको यहाँ से PNG सारी को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। यहाँ से हम PNG सारी को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने पिक्सल लैब ऐप से एडिट की थी। इस तरह से आपको PNG सारी को सिलेक्ट करना है। इसको आप अपने हिसाब से बड़ा करके इसको लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसको बड़ा करके लगा देंगे। अब गाइस आपको PNG सारी की लेयर को भी साउंड की लेयर के बराबर करना है। गाइस आपको लेयर के एंड में जाना है। यहां से गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, तो जो आपकी PNG सारी है साउंड की लेयर के बराबर हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब गाइस जो सारी वाली लेयर है इसको आपको स्मोक वाली लेयर के नीचे लाना है। इस तरह से आपको टैप करके इसको नीचे में ला देना है, तो अभी जो आपकी ये वीडियो है कुछ इस तरह से सेट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब गाइस जो सबसे नीचे में रेक्टेंगल वाली लेयर है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर बहुत सारे जो आपको इफेक्ट इसमें देखने को मिल जाएंगे, इनको आपको सभी को कॉपी करना है। 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ये जो सारे इफेक्ट कॉपी हो जाएंगे। यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस आपको सारी की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको सभी इफेक्ट को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किए थे। 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारे इफेक्ट जो पेस्ट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो है जो कुछ इस तरह से सेट हो जाएगी।
गाइस ये जो सेकंड नंबर में पाइप वाला इफेक्ट देखने को मिल रहा है ये अभी ऑफ है, इसको आपको ऑन करना है, इस पर क्लिक करना है, ये वाला जो इफेक्ट है वो ऑन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ से आपको वाइप वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना है, फेदर वाला जो ऑप्शन मिल रहा है ये अभी 0% सेट है, इसको आपको 30% सेट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 30% सेट कर दिया है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब गाइस आपको इस समय एक ब्लैक स्किन इफेक्ट वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, मीडिया पर जाना है, अल पर जाना है। तो गाइस आपको ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वाली वीडियो की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको लिंक पर क्लिक करके इस वाले इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको इस वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट होने के बाद गाइस आपको इफेक्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको लाइटन वाले ऑप्शन पर जाना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन पर जाना है। तो जो आपकी इफेक्ट वीडियो है कुछ इस तरह से लग जाएगी। आप देख सकते गाइस हमारी जो वीडियो है कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब यहां से गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपकी जो ये वीडियो है डाउनलोड होने लगेगी। तो गाइस आप इसी तरह से फायर वाली सारी वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।